فاتح الأرواح المؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين بسم الله دعاء إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بر محمد وآل محمد وعجل فرجهم لایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عنوان سے مسلسل سلسلہ کلام آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت پیش نظر ہے تین ولایتوں کا ذکر صراحت سے قرآن میں موجود ہے معروف آیت ہے جہاں تین اطاعتوں کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے ولایتیں بھی تین ہیں اطاعتیں بھی تین ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم جن مفسرین نے اول امر سے مراد
बादशाह ने वक्त लिखे हैं उनके कलम बिके हुए हैं, इसलिए कि अल्लाह सुबहानहू व तआला किसी गैर मासूम की मुतलक इताअत का हुक्म नहीं दे सकता। हत्ता वालदैन की इताअत का हुक्म भी शर्त के साथ है कि जब तक खुदा के रास्ते पे बुलाएं तो उनकी इताअत करो। मुतलक हुक्म या खुदा का हो सकता है या उसका जिसे खुदा ने मुअय्यन किया हो। हमने जो मुसलसल गुफ्तगू की है विलायत अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम पर, उसकी वजह यह है कि जो दरे अहले बैत अतहार तक पहुँचेगा और अपनी जबीं को झुकाएगा, दर हकीकत वो खुदा तक पहुँच सकेगा। ज़ियारत जामे कबीरा, अस्सलामु अला महाल मारिफतिल्लाह व मसाकिन बरकतिल्लाह व माआदिन हिकमतिल्लाह व हफ़ज़त सिर्रिल्लाह। अगर गौर फरमाइए, अहले बैत पर सलाम है, आप पर सलाम हो जो महाल मारिफतिल्लाह अल्लाह सुबहानहू व तआला की मारिफत का महल है, आप मकाम हैं जहाँ से मारिफत खुदा हासिल होगी। व मसाकिन बरकतिल्लाह, आप वो जगह हैं जहाँ से अल्लाह की बरकतें मिलेंगी। व माआदिन हिकमतिल्लाह, आप हिकमत खुदा का ख़जाना है। अगर कोई ये तसव्वुर, अच्छा आगे फरमाया अत्तामीन फी मोहब्बतिल्लाह, ला कसम अजीब है, आप ही वो हैं कि जो अल्लाह की मोहब्बत में मुकम्मल हैं, यानी जो इन तक पहुंचेगा दर हकीकत वो अल्लाह सुबहाना व ताला के हुब को दर्क कर सकेगा। तो कोई ये तसव्वुर ना करे, अगर किसी के जहन में ख्याल आ रहा है कि जनाब अहले बैत की विलायत पर तो बहुत बात हुई, तो आपने रसूल अल्लाह की विलायत पर इतनी बात नहीं की जितनी अली की विलायत पर की, जबकि शान रिसालत पर इन मजालिस में बात हो चुकी है। और हमने अर्ज किया था कि सबसे बड़ी नात नबी शायद यही हो कि आना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूँ। तो जिसका गुलाम अली जैसा हो तो आका क्या होगा, या जुमला बदल दूँ कि जिसका दरवाज़ा अली जैसा हो तो फिर शहर क्या होगा। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और तौहीद पर भी या अल्लाह की विलायत पर वो बात आपने नहीं की, अहले बैत की विलायत ही से शुरू किया। देखिए बात यह है कि अंतुम नूरुल अखियार व हुदातुल अबरार व हुज्जतुल जब्बार, आप अल्लाह का नूर हैं। जब इंसान पढ़ना शुरू करता है ना, तो नर्सरी में जाता है बच्चा, नर्सरी से बच्चा प्राइमरी में जाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है, तालीम हासिल करते करते मैट्रिक कर लिया, उसने इंटर कर लिया, उसने बैचलर्स कर लिया, उसने मास्टर्स कर लिया, उसने पीएचडी कर लिया। शुरू कहाँ से किया है? नर्सरी से। ख़त्म हुआ है पीएचडी पर। कोई से पूछेगा जनाब आपकी तालीम क्या है, तो क्या कहेगा? कहेगा पीएचडी है। जनाब आपने तो नर्सरी भी पढ़ी है, प्राइमरी भी पढ़ी है, सेकेंडरी भी पढ़ी है, मैट्रिक भी, और इंटर भी, और बैचलर्स भी, और मास्टर्स भी, आपने पीएचडी क्यों कहा? कहा अगर तुझे अकल होती तो समझ में आ जाता कि इस पीएचडी के अंदर ये सब मौजूद है। आज मेरी बात पहुंच सके। कलमा शुरू होगा ला इलाहा इल्लल्लाह से, ईमान तौहीद ही से शुरू होगा, आगे बढ़ेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, इसलिए कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुँचेगा वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दर्क करेगा, और उसके बाद आगे पहुँचेगा अलीउन वलीउल्लाह तक। लेकिन जब पूछा जाएगा कि तुम ईमान किस पे रखते हो, तो कहेगा विलायत अली पर। अब इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं, इसलिए कि जिसमें अक्ल होगी वो समझ जाएगा कि जिसके पास विलायत अली है उसके पास नारे तकबीर भी है, नारे रिसालत भी है, नारे हैदरी भी है। गौर हमारे, तो शुरू होगी बात ला इलाहा इल्लल्लाह से, खत्म होगी अली वलीउल्लाह पर। वैसे ही दुनिया का उसूल है, जब किसी के घर पे जाते हैं मांगने के लिए तो दस्तक देते हैं, जो बाहर आता है उसी से मांगते हैं। आज मेरी बात पहुंच सके। आप किसी घर पे गए, आपने नॉक किया, जो बाहर आया आपने कहा कि जनाब, कोई फकीर गया,
कोई भी फकीर गया वो मांगने के लिए, तो जो बाहर आएगा उसी से मांगेंगे ना, उसी से बात करेंगे ना, उसी से अपना मुद्दा बयान करेंगे। अब मैं खुदा के पास वहदहू ला शरीक है, कादर मुतलक है, अरहमुर राहिमीन है, उसके दर पे पहुंचा। जब मैंने वहां पर दस्तक दी, अली के सिवा कोई बाहर ही नहीं आया। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला, पर हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। तो इसलिए इसमें किसी के बिगड़ने, आप कलमा देख लीजिए, किसी के जहन में अगर कुछ शुभा आ रहा है तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ थोड़ा सा। जनाब मौला ही की विलायत पर आपने बात की, आप कलमा भी देख, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें माइक्रोस्कोप से अच्छी तरह देख लीजिए कहीं हमने अली का नाम तो नहीं डाल दिया बीच में, चेक कर लें ला इलाहा इल्लल्लाह, कहीं बीच में कोई साजिश की हो, कहीं छुपा के रख दिया हो। अल्लाह के कलमे में वो वहदहु ला शरीक है, लेकिन जहां हुजूर की बात है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कलमे में अल्लाह का जिक्र है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जहां अली की बात आई तो अली वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह, अली के कलमे में अल्लाह का जिक्र भी है, मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र भी है। तो इससे ज्यादा लॉजिकल तरतीब क्या हो सकती है? बात पहुंच रही है आप तक? अच्छा, अगर यहां तक आप मेरे साथ हैं, विलायतें वो भी अलग अलग तरह की हैं, थोड़ा सा मेरे साथ रहेगा। किसी विलायत से मुराद इख्तियार, अल्लाह सुबहान व तआला ने अंबिया के साथ भी यही किया है, तमाम अंबिया को अलग अलग मकाम अलग अलग विलायत नसीब फरमाई है। तिलकर रसूलो फज़लना बअदहुम अला बाद, हमने रसूलों में से बास को बास पर फजीलत दी है। कुरान कह रहा है सारे अंबिया एक बराबर नहीं है, आदम का अलग मकाम है, नूह का अलग मकाम है, इब्राहिम का अलग मकाम है, मूसा का अलग मकाम है, ईसा का अलग मकाम है, सरकार खत्मी मरतबत इमामुल मुरसलीन है, हर नबी का अपना अपना मकाम है, अल्लाह ने खुद फजीलत दी है। ऐज़रा अकल से सोचने वाले, जब सारे अंबिया एक बराबर नहीं हो सकते तो उनके असहाब एक बराबर कैसे हो सकते हैं? कुछ तो गौर कर ले, इसमें किसी के बिगड़ने की क्या बात है भाई? नबी जब सब बराबर नहीं, नबी सब बराबर नहीं, बात पहुंच रही है मेरी? इमाम शाफी से किसी ने, उनके बल्कि बेटे ने ही पूछा कि बाबा जरा तरतीब बताइएगा हुजूर के असहाब की। पहले नंबर पे एक नाम लिया, दूसरे नंबर पे नाम लिया, अली का नाम नहीं लिया, तीसरे नंबर पे नाम लिया, अली का नाम नहीं लिया, चौथे पे नाम लिया, अली का नाम नहीं लिया, पांचवें पे नाम लिया, किसी का अली का नाम नहीं लिया, दसवें तक नाम लिया, अली का नाम नहीं लिया। क्या बाबा अली दुश्मनी की हद हो गई है? दस नंबर पर भी आपने अली को सहाबी नहीं समझा? क्या बेटा तूने सहाबी रसूल के बारे में पूछा था, नफ्से रसूल के बारे में सवाल नहीं किया था? सलावात पर मोहम्मद इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, अरे कि अपने अपने मकाम से। और ये जो अंबिया की विलायतें हैं अलग अलग, कुरान में इसका जिक्र भी मौजूद है अपने अपने हिसाब और एतबार से। आप गौर कीजिएगा, देखें अल्लाह की बारगाह में किसी को फजीलत मिलती है, किसी को बड़ी विलायत, किसी को छोटी विलायत, ये फजीलत का मेयार क्या है? इल्म है, तकवा है, अल्लाह की बारगाह में यही मेयार है। हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, क्या इल्म रखने वाला और इल्म न रखने वाला बराबर हो सकते हैं? हमारा कोई भी मेयार हो, हमारा मेयार है किसका प्रोटोकॉल ज़्यादा है, किसका स्टेटस ज़्यादा है, किसका बैंक बैलेंस ज़्यादा है, और अब मेयार ये भी गिर गया है कि किसका मोबाइल कितना अच्छा है, उसका इतना बड़ा। इंसान कितनी पस्ती में चला गया है। रमज़ान मुबारक में किसी ने बहुत अच्छी बात मुझे भेजी थी, रमज़ान की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा फुक्क कुल्ल असीर, परवरदिगार तू हर असीर को रिहाई नसीब फरमा। कब तो बाजार लगता है कि जिंदान के पीछे जो असीर हैं वो कम हैं, और जो बाहर घूमने वाले हैं, शायद किसी को छोटी बात लगे लेकिन मैं जुमला कहूंगा ताकि बात पूरी पहुंचे, हो सकता है कोई फेसबुक का असीर हो। असीर तो किसी भी चीज, अल्लाह मफुक का कुल्ला असीर, परवरदिगार तो हर असीर को रिहाई नसीब फरमा दे। ठीक है,
ख्वाहिशात नफ्स का असीर हो, कोई दुनिया का असीर हो, मुमकिन है। मैं बात क्या कह रहा था, हाँ, तो अल्लाह सुबहान व तआला ने जो फजीलत दी है वो इल्म के मेयार से दी है। बात हो रही थी ना, जिसका इल्म जितना है उसे उतनी फजीलत हासिल है। एक और मेयार है तकवा, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तुम में ज्यादा मुकर्रम वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। अच्छा, इल्म के एतबार से जहां बात हुई तो अंबिया में अलग अलग मदारिज हैं, ठीक है। अच्छा, इन अंबिया का जब मैं जिक्र करूंगा तो आपके जहन में रहना चाहिए कि हुसैन आदम के वारिस भी हैं, हुसैन नूह के वारिस भी हैं, हुसैन इब्राहिम के वारिस भी हैं, मूसा और ईसा के वारिस भी हैं। यानी हर नबी का जो अलग अलग मकाम था वो सब मिलाकर जमा हो गया हुसैन इब्ने अली में। बात पहुंच रही। आदम को भी इल्म दिया, कवाल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, ये उनके इल्म का मेयार था। हमने आदम को अस्मा का इल्म सिखा दिया, नाम सिखा दिया आदम, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। हजरत खिजर के लिए कहा, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, सूरह कहफ में, कि हमने खिजर को अपनी जानिब से एक मखसूस इल्म अता फरमाया। खिजर उस्ताद मूसा है, सब जानते हैं। कश्ती में जा रहे थे, सुराख किया, हजरत मूसा ने एतराज किया, कत्ल किया, फिर हजरत मूसा ने एतराज किया, दीवार को तामीर किया, फिर हजरत मूसा ने एतराज किया, कहा था फिराकत बहनी वबैना, कि मेरे और तेरे दरमियान जुदाई का वक्त है। फिर एक एक की इल्लत समझाई, है ना, वाक्य सबके जहन में। तो खिजर है उस्ताद मूसा, तो कहा कि खिजर को एक मखसूस इल्म अता फरमाया हमने, जिसको इल्म लदुन्नी की खास शक्ल है जो खिजर को अता फरमाई। हाँ, इतना जरूर है कि जब खिजर और मूसा कश्ती में बैठे हुए थे तो एक परिंदा आया परवास करते हुए, उसने समंदर से पानी पिया, चोंच में कितना पानी आ सकता था उसकी मिनकार में, वो उड़ता हुआ चला गया और एक कतरा उसकी चोंच से गिरा। वो आवाज़ कुदरत आई कि ए खिजर, इतना याद रखना, तुम उस्ताद मूसा जरूर हो, उल अज़ नबी के उस्ताद हो, लेकिन तुम्हारा इल्म, और आखिरी जमाने में एक नबी आएंगे उनके वसी का नाम होगा मुर्तज़ा, उनके इल्म की मिसाल ऐसी है कि तुम्हारा इल्म इस कतरे की तरह है, उनका इल्म इस समंदर की तरह होगा। सलावात बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। मौला ने कहा, अगर चाहूं तो 70 ऊंटों की पुश्तों को सूरह अलहम्द की तफसीर से भर दूं। ये मुबालगा नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा, मेरे साथ रहिएगा। खिजर को इल्म अता किया खास, एक नतीजे तक ले जाना है मुझे, और कल की मजलिस की तमहीद भी बना रहा हूं। हजरत सुलेमान के लिए कहा, वअल्लिमना मंतिकत तैर, कि हमने सुलेमान को परिंदों से बात करने का इल्म अता फरमा दिया, ठीक है। तो किसी को अस्मा का इल्म दिया, किसी को खास मखसूस इल्म दिया, किसी को परिंदों से बात करने का इल्म दिया। हजरत यूसुफ के लिए कहा, वअल्लमनी तावील अल अहादीस, अल्लमतनी मिन तावील अल अहादीस, के परवरदिगार तू मुझे ख्वाब का इल्म अता फरमा दे। यूसुफ को ताबीर ख्वाब का इल्म दिया। हज़रत ईसा के लिए सूरह मायदा में कहा, वाइज़ अल्लम तो कल किताब अवल हिकमा व तौरात अवल इंजील, ए ईसा हमने तुम्हें किताब और हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म अता किया है। यानि आदम को दिया अस्मा का इल्म, खिजर को दिया मखसूस इल्म, सुलेमान को दिया बात करने का इल्म जानवरों से, यूसुफ को दिया ताबीर ख्वाब का इल्म, ईसा को दिया किताब हिकमत इंजील तौरात का इल्म। और जहाँ सरकार खत्म मरतबत की बात आई, सूरह निसा में इरशाद फरमाया, ए हबीब जो कुछ आपके इल्म में नहीं था वो सब आपको अता फरमाया, कंप्लीट पूरा आपको अता फरमाया। यहां कुछ मेरे मौजूद मदरसे के साथी भी तशरीफ फरमा है, और भी शायद अरबी जानने वाले मौजूद हों। अल्लमा का मालम तालम नहीं का कि वो सिखाया जो आपको नहीं पता था, अल्लमा का मालम तकुन तालम, यानी जो इंसान के बस में सीखना ही नहीं था उसका इल्म भी आपको अता फरमाया। यानी इस्तेआत में किसी के था ही नहीं जो इल्म, वो आपको अता फरमा दिया। तो मोहम्मद मुस्तफा वो हैं कि जिन तक पूरा इल्म पहुंचा, पूरा इल्म यानी पूरी विलायत, बात समझ में आ रही है, जिन तक पूरा इल्म पहुंचा, इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, इन पर वो किताब कुरान नाजिल हुई कि जिसमें पूरा इल्म अल्लाह ने जमा कर दिया, इसके बाद कोई आसमानी किताब नाजिल नहीं होने वाली। तो अभी शान का नबी हक है ना कि वो ये कहे कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है।
हाँ ये है कि अली की फजीलत इतनी आसानी से हजम नहीं होती लोगों को। तो उन्होंने कहा कि हुजूर ने ये भी कहा था कि मैं इल्म का शहर हूँ, कोई उसका कोई उसकी छत है, कोई दीवार है, हमारी बला से आप छत बनाएं, दीवार बनाएं, पर नाला बनाएं, लेकिन आना दरवाजे ही से पड़ेगा। सलावात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हमारे तो आना दरवाजा। हाँ कुछ नए जो दिमाग और जहन काम करता है, क्या कहना है, अना मदीनतुल इल्म अलीन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा का तर्जुमा ही आपने गलत किया, तो शियों ने गढ़ लिया। ये तो हदीस यूं है, अना मदीनतुल इल्म अलीन बाबुहा, अली प्रॉपर नाउन नहीं है यहां पर, अली एग्जेक्टिव है यहां पर, नाम नहीं है बल्कि सिफत है कि मैं इल्म का शहर हूं, अलीयुन बाबुहा, जिसका दरवाजा बहुत बुलंद है। आपने खाम खै अली के नाम से, अली का मतलब बुलंद, हुजूर कहना चाह रहे थे, ये किताबों में लिखी हुई बातें भाई, अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, उसका दरवाजा बहुत बुलंद है। वह इतना तो तय है कि अगर शहर कोई आदमी है तो दरवाजा भी आदमी ही होगा। तो अगर तलाश करो कि हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, उसका दरवाजा बुलंद है, तो किसी बुलंद आदमी को तलाश करो, तो एक ही तारीख इस्लाम में मिला कि जो पैदा हुआ तो रसूल की गोद में बुलंद हुआ, जब बुतों को तोड़ा तो हुजूर के शानों पर बुलंद हुआ, और जब मौला मरा तो गदीर के मिंबर पर बुलंद हो के कहा मन कुन तो मौला फहाल। सलावात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदाबाद, जदीदियत मुर्दाबाद, जदीदियत जिंदाबाद, नारे हैदरी, या अली या अली या अली, मदद हक है। जज़ाकुमुल्लाह बेटा, बाद में थोड़ी देर बाद। शाबाश। हाँ हिमायत अली में उठता ही वही है जिसे खैरात जहरा दे रही हूँ। और हमारे तो ये इल्म आजम अलैहिस्सलाम से शुरू होते 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 अब क्या करें, अली उस जबर मशीयत का नाम है जिससे फरार मुमकिन ही नहीं है। जहां जाइए वहां पर, रमजान मुबारक की पहली रात थी, बहुत बाबरकत रात है, इबादत की रात है। सलमान फारसी पहुंचे या अमीर अलमोमिनीन, रमजान की पहली रात से जी चाहता है आपके साथ इबादत बसर करूं, मेरे घर तशरीफ लाइए। अली ने कहा आ जाऊंगा। कुछ देर बाद अबू जर पहुंचे या अमीर अलमोमिनीन, रमजान की पहली तारीख है, इबादत की रात है, आपके साथ जी चाहता है काश सारी रात इबादत हो जाए, कहा जाऊंगा। अल्लाह अकबर, मेरी बात पहुंच सके काश। कुछ देर बाद मीजम तम्मार पहुंचे, कमौला रमजान मुबारक की रात है, इबादत का जी चाह रहा है, आप मेरे घर तशरीफ लाइएगा, आपके साथ आमाले रमजान अंजाम पा जाए, कहा आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह का वक्त सलमान मस्जिद में आए, जनाब कैसे रात गुजरी, कहा लुत्फ आ गया अली के साथ इबादत का। अबू जर खड़े हो गए, कहा मैं ये तो नहीं कहता या रसूलल्लाह के अब सलमान गलत कह रहे हैं, ये तो मैं जुरत तो नहीं कर सकता, लेकिन कल रात तो मैंने अली के साथ इबादत की है। सलावात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी खत्म होगी ये रिवायत। काली तो मेरे साथ थे, अम्मार खड़े हो गए, मीसम तम्मार खड़े हो गए, कहा मैं ये तो नहीं कहता कि ये दोनों गलत कह रहे हैं, ये तो मैं जुरत नहीं कर सकता, लेकिन कल रात तो अली मेरे घर पर थे, मेरे साथ इबादत कर रहे थे। रसूलुल्लाह ने कहा मैं इन कहता तुम तीनों गलत कह रहे हो, अली तो मेरे साथ इबादत कर रहे थे।
सलमान ने कहा कि अली मेरे साथ इबादत कर रहे थे, अबू जर ने कहा अली मेरे साथ इबादत कर रहे थे, अम्मार ने कहा मेरे साथ इबादत कर रहे थे, हुजूर ने कहा अली तो मेरे साथ इबादत कर रहे थे, जिब्रील अमीन नाज़िल हुए, कहा या रसूल अली, अली तो सातों आसमानों पर मलाइका के साथ इबादत, सलावात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। दिल बोला अली मौला अली मौला, दिमाग के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला अली मौला अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला अली मौला अली मौला, नहीं है पहला नहीं चौथा अली मौला अली मौला, है पहला नहीं चौथा अली मौला अली मौला, नारे भाई नंबर आप कोई भी लगा लीजिए, सिरात पर यही खड़ा होगा। जब चौथे पर भी तशरीफ लाए थे तो ना वहां बैठे जहां बुजुर्ग अकाबरीन बैठा करते थे, ना वहां बैठे जहां उनसे भी बुजुर्ग होते थे, और ना वहां बैठे जहां उनसे भी बुजुर्ग होते थे, बल्कि वहां बैठे जहां कायनात का सबसे बुजुर्ग बैठा करता था। और उस मकाम पर जब आके बैठे तो किसी ने कहा कि या अली थोड़ा तो नीचे आ जाते, यहाँ तो रसूल बैठा करते थे, दूसरे तो नीचे आके बैठते थे। का ताज्जुब है मा हाज़िहिल आवार, इन लकड़ी के टुकड़ों की हैसियत क्या है, ये कदम तो वो है जो दोशे रिसालत पर पहुँच कर बुतों को तोड़ चुके। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ए दुश्मन आप नारे लगाते जाएंगे मेरी बातें करते जाएंगे। प्लीज में लाना। अच्छा गौर फरमाइएगा, क्योंकि फिर बात से बात निकलती जाती है, और सबकी हौसला अफजाई के लिए दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अली उस जबरे मशीयत का नाम है कि जैसे अच्छा अली इतनी जगहों पर, सलमान के घर में भी ये पता नहीं क्या शियों को हो गया है, बढ़ाने पर आए तो, जबकि कह चुका हूं पहले भी कि सच का कब झूठ पर हम रंग चढ़ा देते हैं, जो कहा हक ने वो जमाने को सुना देते हैं, और हमको हैदर के फजाइल की कोई हद ना मिली, और उनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। क्या है एक जगह सब इस सूरह मुबारका यासीन में इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, अदुव्व मुबीन है, हर जगह हर एक के साथ है या नहीं है। क्या शैतान खाली कराची वालों को बहका रहा है? आप इतने इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला ना रहिएगा सही। शैतान जो है खाली सिंध वालों को बहका रहा है, इस्लामाबाद वालों को बहका रहा है नहीं, वो एशिया में भी बेकार है, वो यूरोप में भी बेकार, वो हर जगह बेकार है ना। तो अली इमाम मुबीन है, शैतान अदुव मुबीन है। ताज्जुब है मुसलमानों पर जो अदुव मुबीन पे यकीन कर ले इमाम मुबीन पे। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए गौर हमारे, हाँ ये तो जंग खंदक की बात भी है, जंग खंदक में 17 कबीले थे जो मुसलमानों से लड़ने आए थे, और 17 की अलग अलग फौज। जब आमिर इब्ने अब्दुद वासिले जहन्नम हुआ, मिकदाद से रिवायत है, ये कहते हैं कि जैसे ही वो मारा गया ना तो 17 कबीलों ने भागना शुरू किया, अली से फरार करते गए। तो कहा कि जितने फरार कर रहे थे मैं उनके पास जाता था, मैं कहता था क्यों भाग रहे हो, हटो हटो हमारे पीछे अली है, हटो हमारे पीछे अली है, ये कहता था मेरे पीछे अली है, वो कहता था मेरे पीछे अली है, ये कहता था मेरे पीछे अली है। फिर जिस जख्मी के पास गया, मामिन जराहनी, कोई ऐसा जख्मी नहीं था, इल्ला वक़्त काल जराहनी अली यून, कि उसने मुझे ये कहा कि अली ने मुझे जख्मी किया। वह मामिन कतील, कोई मरने वाला ऐसा नहीं था, इल्ला वक़्त काल, वो ये कह रहा था कि कतलनी अली यून, और अली ने मुझे कत्ल किया।
और मैंने देखा कि अली वो वाकिफ़ अला सफ़ीर खंदक, वो तो खंदक पे मौजूद थे। लिअन्नहु मिन करीम अख़लाक़ ही ला युआक़िबुहुम मुनज़िमन, इसलिए कि अली के करीम अख़लाक़ में था कि किसी भागते का पीछा किया ही नहीं करते थे। तो ये वो ज़ाते वाला सिफ़ात है, कहाँ हमारी अक़लों में इतनी रसाई है कि उस ज़ात को दर्क कर सके। तो ये विलायत, आदम की विलायत, नूह की विलायत, इब्राहिम और मूसा और ईसा सरकार खत्मी मर्तबत की विलायत सरकार अली तक पहुँची, और यही विलायतें आगे बढ़ीं। कल बशर्त हिदायत इंशाअल्लाह इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की विलायत पर बात करेंगे, ताकि मेंबर हुसैन की बरकत से उनके बरदर बुजुर्ग की विलायत के बारे में कुछ बयान कर सकें। तो ये विलायत इस तरह से पहुँचती रहीं। अब मेरे साथ रहिएगा, दजला के करीब बैठे हैं अली के पांचवे बेटे और हमारे छठे मौला और आका इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। एक शख्स आ गया, कहा कि ऐ सादिक आले मोहम्मद, मुझे अपनी मारिफत करवाइए, आपका मकाम क्या है, आपकी विलायत और इख्तियार क्या है। इमाम ने कहा सोच ले पहले अच्छी तरह। उसने कहा मौला मुझे मारिफत करवाइए अपनी। इमाम ने अपने असहाब से कहा अलक शेख फिल यम, इसे उठा के समंदर में फेंक दो। उसे उठा के उन्होंने सीधा समंदर में फेंक दिया। तो थोड़ा तैरते हुए बाहर आ गया, वह यताज्जबु मिन फेले इमाम, और इमाम के फेल पे ताज्जुब करने लगा। कहा कि मौला ये आपने क्या किया, मैंने आपसे कहा कि अपनी मारिफत करो, आपने मुझे समंदर में फेंक दिया। अपने असहाब से कहा इसे लगता है अभी हमारी मारिफत नहीं हुई, थोड़ा और दूर करके फेंको। उसे फिर उन्होंने दूर फेंक दिया, फिर भी बड़ी मुश्किल से तैरता तैरता बाहर आ गया। वजह आला युआते बोले इमाम, और इमाम से कहा कि अगर आप इमाम वक्त ना होते तो मैं कितनी और अल्फाज से आपको याद करता, आप फर्जंद रसूल आपके एहतराम में खामोश हूं मैं, या आपने क्या किया। इमाम ने कहा इसे अभी हमारी मारिफत नहीं हुई, जरा जोर लगा के सेंटर में फेंको। और उन्होंने जनाब जोर लगाया, वो दूर फेंका उसे, और उसके बाद बिल्कुल डूबने के करीब था कि इमाम सादिक ने दरिया पे चलना शुरू किया। उसके पास गए, उसका हाथ पकड़ा, ये मौला सादिक की विलायत है, उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर आहिस्ते 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 दरिया से बाहर लेकर आ गए। इमाम के कदमों में गिर गया, कहा मौला मैंने पहचान लिया आपको, मारिफत हो गई मुझे। इमाम ने कहा कैसे मारिफत हो गई। कहा मौला जब तक खुद तैर के निकल रहा था समझ में नहीं आया था, जब डूब रहा था, जब डूबने लगा तो जहां मैंने देखा मारई तो बैनल मशरक वल मगरब मां सेवा जाफर उन सादिक, मैंने मशरक में देखा जाफर सादिक थे, मगरब में देखा जाफर सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है इनकी विलायत, और ये मिली है वहाँ से, पढ़ चुका हूँ लेकिन मुझे बार बार पढ़ना अच्छा लगता है, मशरिक और मगरिब में जाफर सादिक क्या, मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोशे पैंबर पे भी अली, और हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली के मिल्क है कौसर पे भी अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में चाहिए। अच्छा ये कोई तसव्वुर ना करे कि ये विलायत शुरू हुई है, थोड़ा सा ये बहुत जरूरी है कि जनाब अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल असलाब शामिखा वल अरहामिल मुतहरा, आपका नूर असलाब शामिखा से अरहाम मुतहरा में मुंतकिल हो रहा था, यानी अब्दुल मुतल्लिब भी अल्लाह के वली, अबू तालिब भी अल्लाह के वली, हजरत अब्दुल्लाह भी अल्लाह के वली, वो कौन से मुसलमान हैं जो नऊज़ु बिल्लाह ये लिखते हैं किताबों में कि हुजूर के माँ बाप जन्नत में नहीं जाएंगे बगैर किसी और के वालदैन मुसलमान नहीं थे, तो इसमें हुजूर के वालदैन का क्या कसूर है। सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसमें अली के बाप दादा का क्या कसूर है, सीधी बात है।
तो वो सवाल है कि जो नबी अपने माँ बाप को जन्नत में ना ले जा सके, क्या बात करते हैं आप नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमने भी चूंकि बात, उन्होंने ये इतराज़ किया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, तो हमने इसी पर सारा जोर लगाया कि जनाब वो मुसलमान थे, वो मोमिन थे। अबू तालिब फकत मुसलमान और मोमिन नहीं थे, वो हुज्जत खुदा थे। हुज्जत से कभी जमीन खाली नहीं रहती है, और कभी इस पर तफसीली दलाइल इंशाल्लाह पेश करूंगा। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। कलमा सेरेमनी उनकी होती है जो कभी बेईमान रहे हों। अरे बिल्कुल, सैयद के घर में पैदा हुआ, मैंने कहा आपने कितने साल में कलमा पढ़ा था? कमाला ना, आपका दिमाग खराब है, हम सैयद के घर में पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर, काश मेरी बात पहुंच सके। मता असलम अली, इमाम सादिक से किसी ने मुझे अली कब मुसलमान हुए का, मता कफर अली, अली काफिर कब थे के इस्लाम लाने की बात। कोई मुसलमान के घर जो मुसलमान के घर पैदा हुआ हो, सैयद छोड़ दें, आम होती, मैं उम्मती हूँ, को मुझसे पूछ ले मौलाना कब आपको होश आया तो आपने कलमा पढ़ा था। जो मुसलमान के घर में पैदा हो उसे कलमे की जरूरत ना हो, और जो अल्लाह के घर में पैदा हो, सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हद हो गई, कलमा कब पढ़ा था? बात वाजे हो रही है? यानी अब मैं कहां कहां तक बात करूं। खुद अब्दुल मुतल्लिब वली खुदा, और सिर्फ ये वली खुदा को इख्तियार है, सिर्फ वली खुदा को, कि वो अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखते। इब्राहिम को इख्तियार था, वली खुदा थे। इब्राहिम ने ख्वाब देखा, इन्नी अराफिल मनाम अन्नी अजबह का फंजुर मादा तरकाल या बात फल मतोमद इंशाल्लाह मिन अस्साबिरीन। मैंने ख्वाब देखा है, हम में से कोई ख्वाब देख ले हराम है। इब्राहिम ने ख्वाब देखा, वाजिब हो गया। जो इब्राहिम के ख्वाब के बराबर ना हो, वो मोहम्मद की जात के बराबर क्या खाक होगा? तो ये हुज्जत खुदा को इख्तियार है, गर्दन पे छुरी रखे। इब्राहिम को इख्तियार था, अब्दुल मुतल्लिब ने भी यही मन्नत मानी थी, मुझे अल्लाह 10 बेटे अता करेगा तो जो सबसे बाअज़मत होगा उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। अबू तालिब और हजरत अब्दुल्ला, अली का बाप और हुजूर के बाबा, सगे भाई हैं, यानी इनकी मां भी एक है। बाकी और अजवाज से फातिमा मखजूमिया इनकी वालदा का नाम है, जो अली की भी दादी है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी दादी है। बनी मखजूम कबीले से इनका ताल्लुक था। तो एक ही माँ के दोनों बच्चे हैं, और जनाब अब्दुल्ला सबसे ज्यादा बाअज़मत, तो अब्दुल मुतल्लिब ने तो मन्नत मानी थी, और मन्नत मानो तो फिर पूरी किया करो, सोच समझ के मन्नत माने इंसान, जोश में नहीं। एक साहब थे चढ़ गए दरख्त पर, खजूर के दरख्त पर, नीचे देखा टांगे कांप रही थी, कल्ला मन्नत मानता हूं पूरा नीचे उतर गया, 100 रुपये सदका दूंगा। आधा नीचे उतर गया का परवरदगार 50% काम तो मैंने खुद कर लिया है, 50 दूंगा। और नीचे पूरा उतर गए का परवरदगार तेरी जरूरत ही नहीं पड़ी, 100% खुद ही। तो मन्नत जो माने, अब्दुल मुतल्लिब वली खुदा है, मन्नत मानी है, कोई मामूली बात नहीं है। मीना के मैदान में लेके चले अब्दुल्ला को कुर्बान करने के लिए। अबू तालिब सगे भाई हैं, अबू तालिब साथ साथ चले, आगे हाथ रख दिए, बाजुल भाई ये कहते हैं का मेरी मन्नत है। अब्दुल मुतालिब ने कहा मेरी मन्नत है, खुदा का हुक्म है, का मैं एक ऊंट अब्दुल्ला के बदले में, ये मेरा सगा भाई है। इसलिए अबू तालिब जानते थे कि अब्दुल्ला ना होंगे तो मोहम्मद मुस्तफा कैसे तशरीफ लाएंगे। तो कम एक ऊंट कोरा डालने, ऊंट का गोश्त तकसीम करेंगे गोरबा में फिदिया। काबे में चले, दो पर्चियां, एक पर अब्दुल्ला, एक पर
ऊंट, दो पर्चियां, पर्ची उठाई, पर्ची खोली, अब्दुल्ला। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा 10 ऊंट दूंगा। अब्दुल्ला दूसरी पर्ची पे 10 ऊंट, पर्ची उठाई, अब्दुल्ला का 50 ऊंट। फिर अब्दुल्ला 50 ऊंट, पर्ची उठाई, अब्दुल्ला का 100 ऊंट। लोग कहते हैं कि ये गरीब थे। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज मैंने हुजूर के छठे बेटे की विलायत भी जिक्र की, उनके आबा अजदाद की विलायत भी, कल मौला हसन मुस्तफा की विलायत का जिक्र होगा इंशाल्लाह। का 100 ऊंट, पर्ची डाली, अब्दुल्ला 100 ऊंट निकले। 100 ऊंट उस वक्त से इंसान की दियत, उसका खून बहा 100 ऊंट है। ये सुन्नत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है और हमारे तो 100 ऊंट कुर्बान किए गए। अब आप जरा गौर फरमाइए, ये पहला एहसान अबू तालिब है। नहीं, मेरी बात को और सुनना, अगर अबू तालिब 100 ऊंट कुर्बान ना करें तो अब्दुल्ला ना बचे, अब्दुल्ला ना बचे तो मोहम्मद मुस्तफा ना आए, मोहम्मद मुस्तफा ना आते तो तुम मंदिर में होते, मस्जिद में ना होते। और हमारे तो अब्दुल्ला बच गए। और उसी जमाने में विलायत का दूसरा मजहर, उसी जमाने में यमन का बादशाह भी आया था अब्दुल मुतल्लिब के पास, काबे को ढा दूंगा, यानी मुख्तसर काबे को ढा दूंगा, अल्लाह अकबर। अब्रहा उसका नाम नहीं था, अब्रहा मनसब था, इसलिए कि यमन के हर बादशाह को अब्रहा कहा जाता था, जैसे मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहते थे, जैसे हिंद के हर बादशाह को बतलीमूस कहते थे, जैसे ईरान के हर बादशाह को कसरा कहते थे, जैसे रोम के हर बादशाह को कैसर कहते थे, वैसे यमन के बादशाह को अब्रहा कहते थे। अब्रहा ने कहा कि जनाब ये बैतुल्लाह की ज्यारत पे लोग जाते हैं, मेरे पास कोई क्यों नहीं आता, का तू भी एक ऐसा घर बना के देख शायद कोई आ जाए। उसने इस जैसा वही पत्थर मट्टी का एक बना दिया घर। बेचारा अकेला तवाफ करता रहता था। रात के इस पैर मेरे साथ रहे थके, कोई नहीं आया। अब अगर कोई बेवकूफ ये कहे कि वो भी मट्टी का घर था, ये भी मट्टी का घर है, कोई फर्क नहीं इन दोनों में। काश मेरा पैगाम और पहुंच सकता। ये अल्लाह का घर है, ये शैतान का नुमाइंदा है। तो उसने कहा कि जनाब काम इससे नहीं चलेगा, मैंने अपना घर बनाया, कोई नहीं आ रहा, चलो ढाने के लिए। हाथियों को लेके पहुंचा। हाथी अरबों के लिए बहुत यूनिक और नया जानवर था। हाथी होते हैं अफ्रीका में, यमन है अफ्रीका में, और अरबों में होते ऊंट। तो ऊंट ये देखे वाले थे इनके ऊंट, हाथी कौन से आ गया। अच्छा, अल्लाह ने भी जानवरों के भी वतन होते हैं, अल्लाह ने भी जानवर भी अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से खल्क फरमाए हैं, और उसी हिसाब से वो पूरा माहौल है। जहां ऊंट ज्यादा होते हैं वहां पर ऑरेंज नहीं होते, क्योंकि वो ऊंट चर जाएगा, छोटे होते हैं ना दरख्त ऑरेंज के, वहां पर अल्लाह ने खजूरों को उगाया है। ऊंट इतना बड़ा, खजूर का दरख्त उससे ऊपर, ठीक है जुमला कहूं। चूंकि बहरहाल जानवर है, जानवर को पता नहीं होता कब किसी के बाग में घुस जाता है। नहीं, जो समझ सके वो यहां से वहां तक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। माशाल्लाह, आपकी समातों को मेरा सलाम। अब 7 साल बाद मजमा भी मुझे आहिस्ता आहिस्ते समझने लगा है, मैं भी आपको समझने लगा हूं। और अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान में कहा है, देखो ऊंट भी निशानी है हमारी। अफला यंदुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने ऊंट कैसा बनाया है। क्योंकि ऊंट की सिफत क्या है, ऊंटनी जा रही हो ना,
तो उसका बच्चा उसके पीछे पीछे चलता रहेगा। जहाँ ऊँटनी घूमती रहेगी, बच्चा किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद बच्चा उसके पहलू में साथ 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 चलता रहेगा। मौला ने फरमाया, कुन तो अतब हो इतबा फसील असर उम्मे, मैं रसूल के पीछे वैसे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चला करता है। अच्छा, ये कुरान का मौजूदा अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलकत, सूरह इंफितार। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने ऊँट कैसा बना दिया, और फौरन अल्लाह सुबहानहू व तआला उसकी कुदरत के मज़ाहिर कहाँ कहाँ तक हैं। ऊँट से होता हुआ सीधा वैला समाए कैफ रुफ़िअत, क्या तुमने नहीं देखा हमने आसमानों को कैसा बुलंद कर दिया। ताकि बद्दू अरब भी ऊँट से मिसाल समझ जाए, कोई बात में साइंसदान आए तो वो भी तहकीक करके समझ जाए। ये कुरान की वो सुनते हैं, अफला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ खुलकत वैला समाए कैफ रुफ़िअत। तो ऊँट थे अरबों में, हाथी थे अफ्रीका में, वो हाथी लेके पहुंचा और जाहिर है वहां तो बिल्कुल घबराहट हो गई। और उसने पहुंचते ही ये कहा कि भाई कौन यहां का सरदार है का अब्दुल मुत्तलिब, का इनके जितने ऊंट है कब्जे में ले लो। अब्दुल मुत्तलिब वलीउल्लाह है, सब कब्जे में ले लो इनके। बैतुल्लाह अबराहा को दुश्मनी है अल्लाह से, गिरा रहा है अल्लाह के घर को। शैतान अल्लाह की इबादत न करके मर्दूद नहीं हुआ था, खलीफतुल्लाह की ताजीम न करके मर्दूद हुआ था। तो ऊँट कब्जे में ले लो। अच्छा, जब ऊँट कब्जे में हो गए, बात खत्म कर रहा हूं, बस मुझे थोड़े से मंजिल मसाइब में भी ज्यादा मसाइब पढ़ने। अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, इसके पास एक ऊँट था जिसका नाम था मंसूर, अबराहा के पास। और ये वो ऊँट था कि अगर इसके पास कोई पहुंचे तो वो दोनों अपनी अगली आगे उठा लेता था। माजरत, हाथी था इसके पास, अबराहा के पास एक हाथी ऐसा था जो बिपरा हुआ था, और वो हाथी जो बिपरा हुआ था तो कोई भी उसके सामने आए तो वो अपने पैर उठा लेता था, उसका जो ट्रंक है उसे यूं हिलाता था। इसने जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब को आते हुए देखा, कहा इनके सामने मंसूर को भेज दो। और वो मंसूर आया, अल्लामा मजलिसी ने लिखा है अल्लाहु अकबर, ये देख रहा था कि अभी ये अब्दुल मुत्तलिब को कुचल देगा, लेकिन वो कि जो पैरों को बुलंद करके खड़ा हो जाता था, अब्दुल मुत्तलिब के सामने सर झुकाकर सजदे में चला गया। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। अबराहा के होश उड़ गए। अब्दुल मुत्तलिब आए, ये कांपने लगा, कहा हुजूर क्या हुक्म है। कहा मेरे ऊँट वापस करो। कहा अजीब बात है, मैं तो सोचा था काबे के लिए कुछ बोलोगे, काबा गिराने आया हूँ, तुम्हें अपने ऊँटों की फिक्र है। कहा ऊँटों का मालिक मैं हूँ, काबे का मालिक खुदा है, वो खुद हिफाजत कर लेगा। जो आज़ादारी के बारे में बातें बकते हैं, आज़ादारी की मालिक फातिमा जहरा है, वो उसकी हिफाजत करना जानती हैं, बल्कि आज़ादारी का मालिक खुदा है। बस कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हुसैन ने नौके नैजा से जिक्र किया, अल्लाह कयामत तक हुसैन का जिक्र करता रहेगा। बेखौफ हो रही है आज़ादारी ये हुसैन, दिल को सुकून है कि अलमदार साथ है, दिल को सुकून है कि अलमदार साथ है। एक पल को भी ये पंजा हरगिज न झुक सका, अब्बास तेरे हाथ पे जहरा का हाथ है। खत्म हो गई बात। अब्दुल मुत्तलिब वलीउल्लाह, अबू तालिब वलीउल्लाह, ये विलायत पहुंची मोहम्मद और अली तक। यहां तक हम आ गए,
कल इंशाल्लाह मैंने अर्ज़ की अली के बेटों की विलायत का जिक्र करेंगे और कल खुतबा पढ़ने वाला हूँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, अभी से गुजारिश कर रहा हूँ। मोहम्मद और अली की विलायत पहुंची किस तक? पहली मजलिस अगर याद है, मौला मुस्लिम इब्न अकील का खुतबा, फमजा ताहिरान तकियान। मौला मुस्लिम इब्न अकील ने कहा कि मोहम्मद और अली, इन दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग थी। एक अल्लाह की रूह है, एक अल्लाह का नफ्स है, एक मशीयत का ताज है, एक इरादे की तलवार है, एक बोलता अल्लाह के लिए है, करता अल्लाह के लिए है। फमजा ताहिरान तकियान, ये दोनों तैयब ताहिर दुनिया से रुखसत हो गए। फलैसल्लाहुमा वारिसुन अला वजहिल अर्ज सिवल हुसैन, तो इस पूरे रूए जमीन पर मोहम्मद और अली का वारिस सिवाय हुसैन के और कोई नहीं है। तो हुसैन वारिस हैं, वारिस आदम भी हैं, वारिस नूह भी हैं, वारिस इब्राहिम भी हैं, वारिस मूसा और ईसा भी हैं, वारिस मोहम्मद मुस्तफा भी हैं। सईद शहदा की आज जिस कुर्बानी का जिक्र करना है, हुसैन ने मजलूम, एक अजीब जुमला है, मैं कहता हूँ मसाइब का पूरा समंदर है। अना कतीलुल अबरा, मुझे फकत मारा नहीं गया, मुझे रुला रुला कर मारा गया। आए अल्लाह मुझे रुला, पूरा रोज़े आशूर इसमें सोया हुआ है, नहीं पूरा रोज़े आशूर नहीं, कूफे और शाम का बाजार और दरबार इसमें सुमोया हुआ। हुसैन को रोला रोला कर मारा गया। हुसैन अपने असहाब पर रोए सुबह के वक्त। शहीदाने करबला असल तादाद 72 से ज्यादा है। आपको मौला करबला लेकर जाएं, हुसैन के पाइंटी सीधी जानेब बंजे शहीदा है, उस पे जाकर ऊपर नाम पढ़िएगा और गिनिएगा, 72 से ज्यादा है। तो ये 72 क्यों कहा जाता है? इसलिए कि सुबह के वक्त, सुबह आशूर, उमर सात ने पहला तीर चलाया और कहा कि गवाह रहना कि हुसैन के लश्कर पर पहला तीर मैंने फेंका है, यजीद के पास इनाम लेने के लिए मेरी गवाही देना। कितना फर्क है इस गवाही में और उस गवाही में। तब हुसैन ने अपने बेटे को भेजा था तो कहा था तू गवाह रहना, अल्लाहुम्मा इशहद, तू गवाह रहना, वो जा रहा है जो सूरत व सीरत में। तो जैसे उमर साद ने तीर फेंका ना शुरू में, तो वहां से तीरों की बारिश होना शुरू हुई। अस्हाब और अंसार हुसैनी सीना से पर हो गए, कोई एक तीर भी बनी हाशिम तक नहीं पहुंचने देंगे। तीर खाते रहे खाते रहे खाते रहे, 50 अस्हाब बावफा वो पहले हमले में शहीद हुए, जिसे हमला उला कहा जाता है। ये 50 उन 72 में शामिल नहीं किए जाते। जब हम कहते हैं शहीदाने करबला 72, इन 50 के अलावा 72 वो हैं जो बाकायदा मख्तल में गए हैं, जिसमें बूढ़े मुस्लिम इब्न औसजा भी हैं और जिसमें हुसैन की गोद वाला 6 माह का अली असगर भी है। आ गया मैं मंजिल मसाइब पर, जिस छोटे शहजादे का जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह कतील अबरा, हुसैन ने कहा मुझे रोला रोला कर पारा। हुसैन कभी हबीब पर रोए, बचपन का दोस्त हबीब, अपने गुलाम पर भी रोए, जौन गुलाम हबशी, हुर जैसे तौबा करने वाले पर भी रोए, नाना के सहाबी मुस्लिम इब्न औसजा पर रोए, मुस्लिम इब्न अकील के बच्चों पर रोए, जैनब के औन मोहम्मद की कुर्बानी पर रोए, यतीम हसन कासिम पामाल होता रहा हुसैन रोते रहे, अकबर के कलेजे में बर्छी लगी हुसैन रोते रहे, अब्बास के बासु कलम हुए हुसैन रोते रहे, लेकिन जब असगर का लाशा हाथ में था मेरे साथ रहना, जज़ाकुमुल्लाह। नहीं ये वो मंजिल है जिनके शीरखार बच्चे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अली असगर का सदका, अली असगर का फिदिया, अल्लाहु अकबर। ये वो मासूम बच्चा है। देखें, एक ईरानी डॉक्टर थे, बहुत मुत्तकी परहेजगार। वो कहते हैं कि हमारे पास एक्सीडेंट के केसेस आते रहते हैं, सच्चा वाक्य बयान कर रहे थे। कहते हैं एक एक्सीडेंट का केस आया, उसमें माँ भी शदीद जख्मी थी, उसका बिल्कुल शीरखार बच्चा चंद महीनों का, वो भी शदीद जख्मी हुआ। माँ अलग रूम में, बच्चा आईसीयू में। कहते हैं हम बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, माँ की जान तो बच गई थी लेकिन बच्चे को हम बचा नहीं सके, बच्चा मर गया।
कहते हैं मैं उसका लाशा बाहर लेकर आया तो बच्चे का बाप मौजूद था, तो मैंने उसे लाशा दिया कि अब हम बचा नहीं सके। उस बाप ने वो चंद माह का लाशा हाथ में लिया और बच्चे की माँ की तरफ जाने लगा। जाते जाते बे इख्तियार रुका, फिर पलटा, फिर पीछे आ गए। आज जो पहुंच चुके उन्हें असगर का सदका है जरूर गिरिया करना। खुदा आपके गिरिए को उम्मे रबाब की बारगाह में कबूल। आगे बढ़ा फिर पीछे हट गया, फिर आगे बढ़ा फिर पीछे हट गया। मैंने कहा जाता क्यों नहीं? कहा कि चंद माह का बच्चा है, माँ देखेगी बर्दाश्त न कर सकेगी। डॉक्टर ने कहा जैसे मैंने इस मंजर को देखा मैंने करबला का रुख किया। मैंने कहा सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, इस बच्चे को मौला तीर नहीं लगा था, तेरा बच्चा तीर से जख्मी हो चुका था। वज़ूबे हस्तफ्लो में नल ओजोन इलल ओजोन, बच्चा एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। आए हुसैन तेरी मज़लूमियत पर सलाम, तेरी गुर्बत पर सलाम। हक था के सात मरतबा आगे बढ़े, सात मरतबा पीछे हटे। हाँ आपका गिरिया बुलंद हो गया, ये वो तो गिरिया है जो कलेजा फट जाए इंसान का। मैं तो सिर्फ दो मुख्तसर सी रिवायतें पढ़ूंगा। ये वो गिरिया है मुख्तार जैसा शुजा। एक ही मौका था ऐसा जब मुख्तार को गश आ गया था। ये पूरी रिवायत सुनना। मुख्तार जैसा शुजा भी बर्दाश्त नहीं कर सका था। मुख्तार का तरीका था ना, जितने कातिली ने इमाम हुसैन थे सबको जमा किया था उसने और पूछा करते थे कि बता तूने करबला में क्या किया था। और मला को गिरफ्तार किया, कहा बता तूने करबला में क्या किया था, और तस्दीक होती थी, यानी किसी के जहन में सवाल आए कि वो कैसे सही बताते थे। इन्होंने अपना इनाम लेने के लिए यजीद के पास लिखवाया था कि हमने करबला में क्या किया था, तो मुख्तार तस्दीक करते थे कि बता तूने करबला में क्या किया था, ताकि सबके सामने मसाइब आ सकें। उर्मला आया, उर्मला ने कहा कि मैंने तीन तीर चलाए थे बस। मैंने तो तीन तीर चलाए थे बस। कहा बता तूने तीन तीर कौन से चलाए थे? कहा एक तीर उस वक्त चलाया जब अब्बास के दोनों बाजू कलम हो चुके थे। अब्बास के बाजू कलम हो चुके थे, मश्के सकीना अब्बास के दांतों में बंद थी। हुसैन का ये शेर आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ रहा था और जबान पर ये जुमले थे, परवरदिगार मुझे जान की परवाह नहीं, ये पानी हुसैन के बच्चों तक पहुंच जाए। हुसैन से वादा करके आया था, उमर सात ने कहा अगर ये पानी बच्चों तक पहुंच गया तो, और ये पानी अगर पहुंच गया तो हमारी सबसे बड़ी शिकस्त होगी। ऐ उर्मला ये पानी ना पहुंचने पाए। उर्मला कहता है मैंने तीर जोड़ा, सब अब्बास का निशाना ले रहे थे, मैंने मश्के सकीना का निशाना ली। मश्के सकीना पर तीर लगा, पानी बहना शुरू हुआ, अब्बास की आस टूट गई, अब्बास ने सुलझना को एक तीर मैंने उस वक्त चलाया था। अल्लाह अकबर, अभी तो पहले तीर में वो कैफियत है, मुझे दो तीर और पढ़ना है, जरा जिगर थाम के सुनना। का दूसरा तीर मैंने उस वक्त चलाया जब हुसैन जख्मों से चूर थे, जुलजना पे डगमगा रहे थे, कभी दाएं झुकते थे, अपने हाथों से जुलजना की गर्दन को थामते थे, फिर बाएं झुक जाते थे, लेकिन किसी में जुरत नहीं थी हुसैन के करीब जा सके। उमर सात ने कहा कोई हुसैन के करीब ना जाएगा, और मेरा तीर जोड़। मैंने तीर जोड़ा, तीर हुसैन के सीने पर बेहोश हुआ। जानते हो उस तीर के बारे में क्या है? शबे आशूर तफसील से पढ़ूंगा, लेकिन इस तीर के बारे में, जब हुसैन को वो तीर लगा था ना, हुसैन को जो तीर लगता था जैसे जैसे मुमकिन होता था निकालते जाते थे, लेकिन इस लईन हुरमला का जो आखिरी तीर था ना, हुसैन ने सीने से निकालने की कोशिश की, कलेजे में फंस गए। हुसैन ने वो तीर पूछते कर अपनी पूछते होती। और मला कहता उस तीर का नतीजा था मेरा प्यासा मौला हुसैन जमीन करबला पर। मुख्तार सर पीट रहे थे अपना, नकल बिलमाना कर रहा हूं, मुख्तार सर पीट रहे थे अपना, आहो फुगा पूरी महफिल में थी। मुख्तार कभी चेहरा पीटते थे, कभी उठ जाते थे, कभी बैठ जाते थे। कहते तूने एक तीर अब्बास को मारा था, एक तीर हुसैन को मारा था, पता तीसरा तीर कौन सा मारा था? का तीसरा तीर उस वक्त था जब हुसैन छह माह के बच्चे को ले आए। मुख्तार अपने मकान से खड़ा हो गया, कहे हुरमला क्या कहता है? छह माह के बच्चे को तीर का
अगर तुम्हारी निगाह में हुसैन कसूरवार है, इस बच्चे का कसूर नहीं है। आज अपने चेहरे पर मातम कर रहे हैं, इमाम सादिक की दुआ उन तक पहुंचेगी। मौला ने कहा उन रुखसारों पर रहम फरमा जिनमें हुसैन के नाम मातम होता। का बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, पानी पिला दो, 6 माह का बच्चा है। अगर पानी बच्चे को बहुत देर से ना मिला हो ना, तो माँ भी प्यासी हो तो माँ को अपनी प्यास की फिक्र नहीं होती है। किसी तरह पानी मिल जाए, मेरे बच्चे को पहुंच जाए। जब रुबाब ने भेजा था ना असगर को, शायद यही कहा होगा ना कि असगर तू जा तो रहा है, दादी फातिमा जहरा के सामने अपनी माँ की शिकायत ना करना, तेरी माँ बहुत मजबूर थी, एक कतरा आब मौजूद नहीं था। और मौला ने कहा हुसैन ले आए। हुसैन ने कहा अगर तुम समझते हो इसके बहाने में खुद पानी पी लूंगा, आओ। मैंने असगर को जमीन करबला पे लिटा दिया। अकबर असगर 6 माह का करबला की जलती हुई रेत पर, हुसैन पीछे हटे। देखा शायद कोई आएगा मेरे बच्चे को पानी पिला लेगा। बहुत दूर तक देखते रहे, मुझे नहीं मालूम किस हसरत से हुसैन ने असगर के 6 माह के बदन को करबला की जलती रेत पर देखा होगा, और कितनी देर तक देखा होगा। जब कोई ना आया, हुसैन फिर आगे बढ़े, फिर जलती रेत से असगर को उठाया। कब बेटे, इन्हें शायद तेरे बाप की बात पर यकीन नहीं आता, तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा, तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है, तू तो अपनी हुज्जत तमाम कर। कुछ भी दम नहीं रहा, लेकिन मैं आहिस्ते एक जुमला कहूंगा, जिसे रोना है वो बुलंदा। असगर ने हुज्जत तमाम तो की, सूखी हुई जबा अरे गुरबते हुसैन, साकी कौसर का बेटा अपने बच्चे के लिए 2 घूंट पानी मांग रहा था। सूखी जबान असगर ने बेरना शुरू की, वाजेश किया मुंह मोड़ मोड़ कर। सबने मुंह मोड़ ली, अपने मुंह मोड़ ली, हमसे देखा ना जाएगा ये मंजर। अब हुरमला सुना रहा है मुख्तार को, हजरत मुख्तार को, कहा उमर साथ ने मुझसे कहा अगर ये कुछ और मंजर जारी रहा ना, फौज में इनकलाब आ जाएगा, जल्दी से तीर जोड़। मेरे पास बहुत से तीर थे, लेकिन बुग्ज़े हुसैन में मैंने वो तीर उठाया जो घोड़ों को गिराने के लिए था। मातम करते जाना जिसे तौफीक नसीब हो, आत्माओं में रबाब को बुरसा देना है। वही उम्र रबाब जो साए में कभी ना बैठी थी, वही उम्र रबाब जब ज़ैनब ने कहा था आज तो बारिश मदीना में हो रही है, साए में आ जाए। कहा था शहजादी ये तो पानी के कतरों की बारिश है, मेरे आका पर करबला में तीरों की बारिश है, मेरे आका पर तीरों की बारिश हुई थी। तीर जोड़ा घोड़ों को गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। तीर चलाना चाह हाथ लर्जे। उमर साद ने कहा बच्चे से डर गया, हुसैन से डर गया, तीर लरज रहा है। कहीं डरा नहीं, जब भी तीर जोड़ता हूं एक खैमे का पर्दा बुलंद हो जाता है। एक बीबी है जो फरियाद करती है, ए हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, हुरमला मेरा बच्चा 6 माह का मासूम है, 3 दिन का भूखा प्यासा है। उमर साथ ने आंखों पर हाथ रखा, उर्मला का तीर चला। मुख्तार सुन रहे थे, उर्मला ने कहा तीर मैंने चला है बच्चा एक कान से सिवा होना शुरू हुआ, दूसरे कान तक सिवा होता गया। हुसैन के हाथ में 6 माह का लाशा था। मुख्तार अपने मकान से जमीन पर गिरा, कहा या मौला कर कबाला तू इतना मजलूम था माला। इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। आसमान की तरफ देखते हैं, क्या कयामत तक मौला बारिश नहीं होगी, कि इतना मोहतरम खून है आसमान पर आ गया ना। हुसैन ने चाहा जमीन पर खून बहा दे।
का मौला कयामत तक कोई गल्ला ना उगेगा। आज इतनी फसल जितना अनाज है ये खून अली असगर का सदका है। हुसैन ने खून अपने चेहरे पर मल लिया, का नाना रसूल खुदा के सामने इसी आलम में जाऊंगा। और अब आगे बढ़े सात मरतबा और पीछे हटे सात मरतबा और कहते थे लई तक आशूरा जमी अंतरूनी कई बस जिसकी हमूनी ऐ मेरे शियो काश तुम करबला के मैदान में होते तुम देखते तुम्हारा मौला कैसे छह महीने के बच्चे के लिए पानी भाग। इमाम ज़माना अगर आप मजलिस में हैं मुझे माफ कीजिएगा मौला, 1400 बरस बाद हमारा दिल सुन के फट जाता है, मौला आप पे क्या गुजर रही हो। आपके इस अजीब शान गिरिए का वास्ता मौला के जहूर में ताजील की दुआ ये दिल में करते जाना। मैं भी मसाइब पढ़ रहा हूँ लेकिन मौला को पुकारना, ऐ मौला आप जल्दी तशरीफ ले आए, खून अली असगर का इंतकाम बाकी है, अब्बास के बाजू होगा इंतकाम बाकी है, मौला दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी है, आपके मुंतजर हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन आगे बढ़े फिर पीछे हटे, फिर आगे बढ़े फिर पीछे हटे, रजन कबा एक परवरदिगार असगर मेरी गोद में ज़िबा हुआ लेकिन हुसैन अब भी राजी, सलाम तुझ हुसैन वो तस्लीम अमरिक। हुसैन तेरे सामने सर तस्लीम में खम करता, हुसैन राजी है। हुसैन दाखिल हुए असगर गए थे तो रोते हुए गए थे, वापस आए खामोश हो चुके थे। सकीना आगे बढ़ी, अबा का दामन रखा हुआ था ना, मैं मासूम सकीना का वास्ते जुमले को सुनना और उस कैफियत को महसूस करना का बाबा मैं समझ गई बाबा, असगर को पानी पिलाने ले गए थे ना, असगर को पानी पिला दिया, असगर खामोश हो गया, सकीना के लिए प्यास याद ना आई बाबा। हुसैन ने हवा का दामन उल्टा, 3 साल की बच्ची ने 6 माह के बच्चे का गला देखा। का बेटी तेरा भाई पानी पीकर नहीं आया, तीर खाकर आया है, रबाब ने 6 माह की कमाई देखी, कया बोलैया मिसलु का युनहार, बेटा 6 महीने का जानवर भी जिबा रही। हुसैन ले गए असगर को पूछते खैमा, जुल्फिकार से कब्र खोदी, देखो जब जुल्फिकार से कब्र खोदी होगी तो नन्हे असगर को जमीन पे लिटाया होगा ना, जुल्फिकार से कब्र खोदी, असगर को लहद के सुपुर्द कर दिया। अब ये क्यों किया लहद के सुपुर्द, ये मौला जाने और मौला का खुदा।